शुरू करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रिसेंटली लॉन्च्ड विच अमंग द फॉलोइंग. ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे, काफ़ी फ्रेंडली वे में करेंगे ताकि आप खुद भी गैस करें एंड मैं आपको बताते भी चलूँ. एट द एंड आई वॉन्ट कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएँ एंड करंट अफेयर में कोई दिक्कत ना आए. सो अभी रिसेंटली ये सारे रिसेंटली लॉन्च किए गए, समाधान चैलेंज भी लॉन्च किया गया जिसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को इनक्रेज करने के लिए न्यू डिस्कवरीज करो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन समाधान चैलेंज, देन उसके साथ साथ भारत पढ़े ऑनलाइन, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसको और बेटर करने के लिए वेब पोर्टल युक्ति, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसके फुल फॉर्म याद रखना. सक्षम पोर्टल भी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था डिफरेंटली एबल्ड को एम्पावर करने के लिए, वो आप याद रखेंगे. एंड अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया जी ऑल ऑफ दिस, ये रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए गए. मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक इज द करेक्ट आंसर, जो हमारे मिनिस्टर हैं एचआरडी मिनिस्टर. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कौन सी है? हरिद्वार उत्तराखंड. सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. सो कितना एस्टिमेट लगाया वर्ल्ड बैंक ने? 2.8%. अभी रिसेंटली जो एस्टिमेट्स हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा. सबसे कम अभी तक जो लगाया वो एसबीआई द्वारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 1.1%. ओके, देन उसके बाद गोल्डमैन सैक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.6% याद रखना है. देन उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग 1.9%, 2.5% अकॉर्डिंग टू मोदी, देन उसके बाद 2.8% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. ओके, 4% अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड 4.8% अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट. ओके, तो ये पांच छह हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा. ओके, स्पेस फ्लाइट कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया जाता है हर साल? लाइक यूरी गैगरीन जो फर्स्ट बने थे जो स्पेस में जाने वाले. सो करेक्ट आंसर होगा इसका 12 अप्रैल. ओके, 12 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर. ड्यू टू कोविड-19 रोजर कप इसे पोस्टपोन कर दिया गया. इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते रिलेट करता है ये? टेनिस का. ओके, देखो आज रिवीजन है तो मैं सारी चीज़ें डिटेल नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा. रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप की? विद ICICI लोम्बार्ड एंड गो डिजिट इन जनरल इंश्योरेंस, दो इंश्योरेंस के साथ पार्टनर, मतलब दो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंश्योरेंस लाइक पार्टनरशिप की है एंड दो इंश्योरेंस लॉन्च किए गए, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से. ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO कौन है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज भार्गव दास गुप्ता एंड दो इंश्योरेंस COVID-19 प्रोटेक्शन कवर बाय ICICI लोम्बार्ड एंड डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस बाय डिजिट इंश्योरेंस, तो दो इंश्योरेंस हैं. ओके, सो विच इंडियन स्टेट पब्लिक यूनियन टेरिटरी लॉन्च मोबाइल ऐप नाडी? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर. मुख्यमंत्री वेलु नारायण स्वामी एंड वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी किरण बेदी जी. ओके, भारत बायोटेक विद द पार्टनरशिप विद US बेस्ड फ्लूगन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन मेडिसिन टू डेवलप ए वैक्सीन नेम्ड कोरोफ्लू, तो वैक्सीन बनाएंगे. सो इसमें आपको ये बताना है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ भारत बायोटेक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णन EM इलाइज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. को ब्रांड बुक द वेनगार्ड सीरीज, इसको अभी सीजन 1 लॉन्च किया गया. दिस वॉज को ऑथराइज्ड बाय वेल्से किंग, इनकी डेथ हो गई थी 26 जनवरी 2020 में हेलीकॉप्टर क्रैश में, इनकी डॉटर भी साथ में थी 13 साल की. कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच कंट्री सरपास US एज अ टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन? सो US को इसने लाइक क्रॉस कर लिया एंड पेटेंट एप्लीकेशन में के लिए कैटेगरी में. सो द करेंट कंट्री इज चाइना. ओके, देखो अब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने बैठा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो डेली करंट अफेयर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखना स्टार्ट किया वो ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. गूगल एंड किसने आपस में हाथ मिला लिए? लाइक टू फाइट विद COVID-19 थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू हेल्प गवर्नमेंट. सो गूगल एंड एप्पल ने हाथ आपस में समझौता किया. दरबार मूव कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट में इस बार नहीं होगा या फिर यूनियन टेरिटरी में? दरबार मूव यानी कि सिविल सेक्रेटरी 6 महीने जम्मू में काम करता है, 6 महीने श्रीनगर में काम करता है, राइट नाउ जम्मू में काम कर रहा था. ड्यू टू COVID-19 इस बार ये मूव नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड
आईआईटी बॉम्बे को फंड करेगी टू डेवलप जेल फॉर नेसल पैसेज, लाइक जो एक जेल बनाएगा जो एंट्री ऑफ कोरोना वायरस को रोकेगा. सो ये मैंने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड रिसर्च, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जिसके मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन. क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने 12 मेंबर टीम बनाई, एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ एडवाइजरी टीम. तो एक मेंबर हमारे इंडियन भी हैं जिनको इंक्लूड किया गया अमंग 12 मेंबर्स, तो ये हमारे 23rd आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन. प्रसार भारती ने एक न्यू चैनल लॉन्च किया था, आपको बताना इसका नाम क्या, इस चैनल का नाम क्या था? चैनल का नाम है डीडी रेट्रो. इसमें जितने भी पुराने प्रोग्राम्स लाइक रामायण, महाभारत, उसके बाद शक्तिमान, सारे आएंगे वापस, फिर से देख सकते हो. ओके, सो इसके सीईओ कौन है? शशि एस वेम्पति इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चैनल का नाम डीडी रेट्रो. ओके, आरोग्य सेतु ऐप आप सब लोगों ने डाउनलोड की है. अब इसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी किसी स्टेट ने लॉन्च किया, ताकि वहाँ के सिटीजन्स काफ़ी ईजिली एसेस कर पाएँ. सो द स्टेट इज़ तमिलनाडु. ओके, संजय अग्रवाल किसे इनको रीअपॉइंट किया गया? एम डी एंड सी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक? सो द करेक्ट आंसर इज ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द करेक्ट आंसर. हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में. ओके, रिफत चौधरी जी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. ही वॉज अ फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट जाने जाते थे, इनको जाना जाता था? सो करेक्ट आंसर इज इराक. ओके, महाबलेश्वर एम एस हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर नेक्स्ट 3 years. सो 3 साल के लिए इनको बना दिया गया, महाबलेश्वर एम एस को, एम डी एंड सी ओ ऑफ कर्नाटका बैंक. ओके, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है सेलिब्रेटेड प्ले ट्रू डे ऑन विच डे टू प्रमोट फेयर प्ले? कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 9 अप्रैल. ओके, हेडक्वार्टर्स एंटी डोपिंग एजेंसी की मॉन्ट्रल कैनेडा में. ओके, चाइना ने हमारे किसी बैंक पे अराउंड 1.01% स्टेक खरीदा है, तो बताना कौन सा बैंक से. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक. विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट? एंड यू नो इसके अच्छे रिजल्ट मिले, एंड गोवा इस टाइम फ्री हो चुका है फ्रॉम COVID-19. 7 पेशेंट थे, 7 के 7 को रिकवर कर चुका है. सो गोवा इज द करेक्ट आंसर. बेसिक डिटेल्स, F1 रेसर सर स्टर्लिंग मॉस, इनका निधन हो गया. सो ही बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री? ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ही इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. ओके, लिवाइस हैमिल्टन भी UK के ही हैं. ओके, मर्सिडीज ड्राइवर. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितना प्रोजेक्शन लगाया फॉर द ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021? सो द करेक्ट आंसर इज 1.9%, रिवाइज करवा चुका हूँ. अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को ऑब्जर्व की जाती है. डॉक्टर BR अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कब इनका जन्म कब हुआ था एंड कौन सी इंडियन स्टेट में हुआ था? ओके, तो ये इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश मोह विलेज में. रिसेंटली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हैज बिगन द फर्स्ट टू इंस्टॉल वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल. सो आपको ये बताना कि ये अहमदाबाद स्टेशन कौन सी रेलवे के अंडर आता है? तो ये आता है जी वेस्टर्न रेलवे के अंडर. ओके, याद रखिएगा, जिसके हेडक्वार्टर्स चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में. अशोक देसाई, इनका निधन हो गया. ये कौन थे जी? फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ आवर कंट्री. ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे. कब से कब इन्होंने सर्व किया था? 1996 से लेकर 1998 तक. प्रेजेंटली के वेणुगोपाल राय हमारे अटॉर्नी जनरल हैं. ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे डेवलप ए स्मार्ट स्टेथोस्कोप. लाइक डिस्टेंस से भी आपकी हेयर बीट सुन सकता है ये स्मार्ट स्टेथोस्कोप. सो इस डायरेक्टर जनरल कौन है IIT बॉम्बे के, ये आपके पूछ रहा है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर सुभाषिस चौधरी इज द करेक्ट आंसर. जलियांवाला बाग में सेकर को 100 साल नहीं ज़्यादा हो चुके हैं. ओके, 13 अप्रैल को. सो पूछ रहे कि कितने साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो ये 101 साल हो चुके हैं 2020 में, यानी कि इस ईयर 101 साल हो गए. ओके, जनरल डायर ने जब ऑर्डर दिए थे तो गोलियां चलाई गई थी, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे, बेकसूर लोग. वर्ल्ड चगास डिजीज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 14 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अमेरिकन
ट्रिपैनोसोमैसिस, ओके, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस इस नाम से जाना जाता है। द डिजीज कॉज्ड बाय, ये इसके रिलेटेड ही है, ओके। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप ए चेन ऑफ 20 लाख रिटेल शॉप्स विच विल बी कॉल्ड एज, तो किस नाम से रिटेल शॉप की जो स्पेशल चेन लॉन्च की जाएगी, सो इट विल बी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुरक्षा स्टोर्स, ओके, लाइक सैनिटाइज स्टोर्स रिटेल शॉप्स जो इस नाम से जाने जाएंगे, ओके। स्वस्थ के सिपाही के तहत आपको ऑनलाइन लाइक आप डिलीवरी एसेंशियल सर्विसेज की ले सकते हो, ओके, वो आपको याद रखना है। कुछ ओबिचुरीज में कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर, इनका नाम याद रखना है, एम के अर्जुना, ही वॉज द फेमस मलयालम सिंगर थे। नोबो ओबाशाई, नोड फिल्म मेकर ऑफ जापान एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एम वी राजशेखरन, इनका भी निधन हो गया, कांग्रेस के लीडर थे। विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2020, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, सो दिस विल बी होस्टेड बाय आवर कंट्री इंडिया, एंड कब होस्ट करेगा, ये नवंबर दिसंबर मंथ में होंगे, ओके। अब्दुल मजीद हु वॉज हैंग्ड बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट वॉज अ किलर ऑफ विच फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट प्रेजिडेंट जो बांग्लादेश के थे उनके हत्यार है, शेख मुजीबुर रहमान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वीरूपक्ष मिश्रा हैज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक, सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली एम्स हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऋषिकेश इन उत्तराखंड, यू हैव टू आंसर हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो डायरेक्टर जनरल हैं प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया। द साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट हैज बिन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, मैं बता चुका हूँ, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन लगाया कि हमारा इंडिया यानी कि इंडिया ग्रो करेगा फ्रॉम 1.5% टू 2.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। प्रेजिडेंट कौन है, एग्जैक्टली डेविड मालपास। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग फॉर COVID-19 पेशेंट्स, सो फर्स्ट स्टेट जो बना उत्तर प्रदेश। इंडियन आर्मी ऑब्जर्व 36 सेशन डे ऑन विच डे, ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, जो भी डिस्प्यूटेड रीजन था सेचेन का, पाकिस्तान से हमने रिकैप्चर किया था, 36 साल पूरे हो गए जी इस चीज़ को, सो 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया, ओके, सेचेन डे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज सेट अप ए क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स, सो इट वॉज सेटअप बाय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। टूर दे फ्रांस हैज बिन पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19, दिस टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, सो काफ़ी बड़ा साइकिलिंग टूर्नामेंट होता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड हैशटैग देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इज प्रहलाद सिंह पटेल। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्रीज COVID-19 पैकेज टू $20 billion, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, काफ़ी ईजी आप सबके लिए, मजाद सागू असाकावा इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन 15 अप्रैल टू प्रमोट द आर्ट, दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जी, लियोनार्डो डी विंसी, ओके, मोनोलिजा की पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई है, ओके, एक हाफ पोर्ट्रेट है जो मोनोलिजा का। विच इंडियन स्टेट हैज एम्प्लॉय कोबोट रोबोटिक्स टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, ओके, सो दिस वॉज रिसेंटली डिप्लॉयड बाय झारखंड। राजस्थान में भी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल में भी रोबोट की हेल्प ली जा रही है, ओके। कियोस्क कोवासैक किसके द्वारा बनाया गया फॉर सैंपल कलेक्शन, सो दिस वॉज डेवलप्ड बाय DRDO। स्विस हॉकी प्लेयर स्विट्जरलैंड के रोजर चैपोट एंड फॉर्मर प्रो गोल्फर डॉग सैंड्रस इन अमेरिका के, इनका निधन हो गया, ओके, इट्स ऑल्सो नोन एज द पीकॉक ऑफ फेयरवेज, ये याद रखिएगा। विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट लाइक हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर, ओके। फूड बैंक भी लॉन्च किया गया बाय मणिपुर गवर्नमेंट, ये भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द स्प्रे बेस्ड कोटिंग फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट्स फॉर हेल्थ वर्कर्स, यानी एक स्प्रे बेस्ड कोटिंग होगी लाइक जो वो पहनते हैं, लाइक पीपीई किट्स, लाइक जो प्रोटेक्टिव सूट्स होते हैं, तो उन पे स्प्रे करके उनसे बचा जा सकता है इन्फेक्शन से. सो दिस वॉज डेवलप्ड बाई IIT गुवाहाटी आसाम में. ओके, गूगल पे हैज़ स्टार्टेड नियर बाय स्पॉट टू हेल्प यूजर्स टू फाइंड लोकल स्टोर फॉर एसेंशियल आइटम्स. सो गूगल पे वॉज लॉन्च्ड इन, सो ये हुआ था शुरू 2017 सितंबर मंथ में. अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर हैज़ जॉइंटली लॉन्च विच इनिशिएटिव टू हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस. ओके, तो ये आपको बताना है कि कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, लाइक इस जॉइंट प्रोजेक्ट का नाम क्या है. सो इस जॉइंट प्रोजेक्ट का नाम है कोलैब CAD. दिस वॉज जॉइंटली लॉन्च बाई अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये कार्ड देना. वर्ल्ड हेमोफीला डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है. हेमोफीला एक ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्लॉट इजली नहीं बनते. सो 17 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर. थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व. कुछ हिस्ट्री है इसके बारे में. ओके, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने IPL को सस्पेंड कर दिया. अब देखते हैं, मे भी चांसेस है इस बार सस्पेंड ही हो जाएगा, फुल चांस ऐसे ही लग रहे हैं ड्यू टू COVID-19. तो 39th प्रेजिडेंट कौन है, सौरव गंगोली. ओके, एब्देल लो हैबैब एसाउसाई हैज़ वॉन 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020. सो आपको ये बताना है कि स्पार्टन कोड के लिए इन्होंने जीता प्राइज. ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ही इज़ फ्रॉम अल्जेरिया. द 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज कैंसल्ड, बेसिकली इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19. सो ये कहाँ पर होनी कहाँ थी, इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन चाइना. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ डिसाइडेड टू वेव ऑफ सर्विसेज चार्ज फॉर ऑल ATM ट्रांजेक्शन अप टू 30 June 2020. सो इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. विच अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट टाइम कॉइंड द टर्म हेलीकॉप्टर मनी. सो दिस वॉज फर्स्ट टाइम कॉइंड बाई मिल्टन फ्राइडमैन. ओके, बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी इज दैट ऑफ टाइप ऑफ मनी जो लोगों को बांटी जाती है, लाइक उनका खर्चा बढ़े, कंजप्शन बढ़े एंड देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बेटर हो. ओके, वाइस बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग्स. किसे अपॉइंट किया गया, सो करेक्ट आंसर इज अजय महाजन. द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज स्टार्टेड एन इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म नोन एज, सो द करेक्ट आंसर इज सहयोग. जो द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन एडिसन अवार्ड अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द कैंपेन क्लब एनर्जी #, स्विच ऑफ स्विच ऑन. सो करेक्ट आंसर इज टाटा पावर. रंजीत चौधरी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. सो ही वॉज रिलेटेड टू एक्टिंग, सो इज एक्टर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ PTM जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड. सो द करेक्ट आंसर इज वनीत अरोरा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज टू इंडिया. सो इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ गिवन 6.5 लाख मेडिकल किट्स टू इंडिया विच हेल्प इन रैपिड टेस्टिंग ऑफ COVID-19. एंड ऐसा माना जा रहा है कि डुप्लीकेट माल दिया है चाइना ने, चाइना वाले कभी सुधर नहीं सकते. ओके, सो ये इंडिया को दिया था चाइना ने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च YSR निर्माण पोर्टल फॉर स्मूथ सप्लाई ऑफ सीमेंट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो दिस वॉज लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मापुसा अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक ऑफ गोवा. सो हु वॉज MD एंड CEO ऑफ दिस बैंक, ड्यू टू इनएडुकेट कैपिटल एंड फंड द लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड. सो शैलेंद्र सावंत इज द करेक्ट आंसर. निर्मला सीतारमन अटेंडेड द वर्चुअल समिट ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नेंस. सो इट वॉज इन कंक्लूडेड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया. वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हुज रिसेंटली रिजाइंड. सो करेक्ट आंसर इज तमस अजान. Recently, the National Conference on Kharif Crop 2020 was chaired by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Now you have to answer, who is the present Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare? So the correct answer for this question is Narendra Singh Tomar. Inki constituency hai Morena, Madhya Pradesh. Okay.
वर्ल्ड वाइड फंड हैज़ अपॉइंटेड वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप विश्वनाथन आनंद ओके एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम. सो हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड? सो द डायरेक्टर जनरल इज मैक्रो लैम्बर्टिनी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च सीगार्ड टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ सीगार्ड. विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू द पुअर्स? सो दिस वॉज ऑल लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट. दाल भात स्कीम वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट. हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्रिक किंगडम ए क्रिकेट अकेडमी बेस्ड इन दुबई? सो द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा. सेफ्टी ग्रिड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू इनकरेज पीपल फॉर सोशल डिस्टेंसिंग वाइल वेटिंग एट शॉप? सो दिस इज ऑल लॉन्च्ड बाय द बैंक HDFC. ओके हैज़ बीन गिवन एज एडिशनल चार्ज ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड? सो किसे एडिशनल चार्ज दे दिया गया? द एडिशनल चार्ज हैज़ बीन गिवन टू PK पुरवार जो BSNL के भी डायरेक्टर जनरल है. ओके CMD है. फ्रीडम फाइटर RV बुस्कुटे इनका नाम आपको याद रखना है. फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर विली डेविस इनका निधन हो गया. सो ये दोनों आप याद रखेंगे. ओके 5-5 टू बी द मास्कट फॉर हैंगजो 2020 एशियन पैरा गेम्स जो 2022 में पैरा गेम्स एशियन पैरा गेम्स होने वाले उसका मास्कट 5-5 एंड उसके साथ साथ जो लाइक ये पैरा गेम्स एंड जो एशियन गेम्स वो भी 2022 में ही होंगे सेम सिटी में तो उसके लिए जो मास्कट है वो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स वो भी याद रखना. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टॉप फंडिंग WHO ड्यू टू कोरोना वायरस फेलियर? सो कौन सी कंट्री ने फंडिंग कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध लगा दिया? द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज स्टॉप फंडिंग टू WHO फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कॉन्ट्रोवर्सी. ओके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ गार्डनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मोस्ट डिजिटली स्किल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? सो विच कंट्री इज द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड? द कंट्री इज अवर कंट्री यानी कि इंडिया. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट इन केस ऑफ मिस हैपनिंग ड्यू टू COVID-19 फॉर ऑल पोस्टल एम्प्लॉयज? सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 10 lakh rupees टू ऑल गवर्नमेंट ऑल पोस्टल एम्प्लॉयज इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ड्यू टू COVID-19. विच स्टेट पब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड लॉन्च्ड एसेस कोरोना ऐप टू डोर टू डोर सर्वे इन COVID-19? लाइक जो भी सारा रिकॉर्ड होगा वो इस ऐप में स्टोर किया जाएगा. फिजिकल रिकॉर्ड करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग क्वारंटीन किए जा सकें. सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय न्यू दिल्ली गवर्नमेंट. ओके रिसेंटली ए न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर स्लाजर स्लाइथेरिन वन ऑफ द करेक्टर ऑफ हैरी पॉटर? सो इट हैज़ बीन लाइक डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश. रिसेंटली ट्राइबल लीडर सहाराई ओराम पास्ड अवे. ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? सो ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर फ्रॉम उड़ीसा. द इंडियन हाई कमिश्नर हैज ऑर्गेनाइज ए वर्चुअल राउंड टेबल समिट फॉर COVID-19 मीट फॉर बिजनेसिस COVID-19 इशूज चैलेंजेस एंड वे. सो दिस वॉज अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ विच कंट्री? सो इट वॉज अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड इट वॉज ऑल हेडेड बाय इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम रुचि घनश्याम. याद रखना इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली TVS मोटर कंपनी हैज एक्वायर्ड विच आइकोनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड ऑफ UK? सो करेक्ट आंसर इज नॉर्टन. अकॉर्डिंग टू SBI इको रैप रिपोर्ट वट विल बी द इंडियाज GDP इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? सो इंडियाज GDP विल बी 1.1%. वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? करेक्ट आंसर इज 18th of April. एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? सो द मोबाइल ऐप डैट हैज बीन लॉन्च इज किसान रथ. द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि एशियन फॉर 2020 इज हेल्ड बाई विच कंट्री? नाउ अर्लियर ये थाईलैंड के पास थी नाउ इट हैज़ बीन हेल्ड बाय वियतनाम. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट
25 lakh house adds to the poor under Navaratalu Panda Land Riki Ilu, meaning houses for all. So this is the initiative by Andhra Pradesh government for distributing 25 lakh house adds to the poor. Which of the following company has acquired 5.45 stake in the SpiceJet? So the company is HDFC Trustee Company. Who has become India's number one tennis player in latest ITTF ranking? So the Indian player who has become the number one is Sharath Kamal from Tamil Nadu, and in games of women's, Manika Batra is correct answer. Overall ranking is 31st and her ranking is 63. And overall number one is Fan Zhangdong from China, and in female category, Cheng Meng from, she's also from China, in women's categories at number one. Recently, a book based on the life of Indian shuttler PV Sindhu launched, titled Shuttling on the Top, the story of PV Sindhu. Who is the author of this book? So the correct answer is V. Krishnaswamy is the correct answer. What is the name of online hackathon which has been launched to overcome COVID-19 pandemic? So the name of this hackathon is Hack the Crisis. Which of the following application has reached 50 million downloads in just 13 days? It has become world fastest downloading application. So the application is Arogya Setu. The Union HRD Ministry clarifies which video calling app is not safe. So the correct answer is Zoom. Which of the following state has launched diagnostic kit named Chitra Gene Lamp N? So it has been developed by Kerala. Which of the following state has launched COVID Madad helpline? So it has been launched by the government of Maharashtra. Which team has been declared winner of I-League season of 1920-2020 as the remaining matches have been cancelled due to COVID-19? So the team which has been declared winner for the year 1920-2020, Mohun Bagan, West Bengal. Which of the following state has launched Project Smile for e-learning? So this is a project to encourage and to promote e-learning. Project Smile is launched by Rajasthan government. So that's all. Now one question for you, aap iska answer kijiyega. Which of the following company has won Edison Award under social innovation category? So kaun si company ne jeeta ye aapko mujhe batana hai. So that's all from this video. I hope everything is clear and रिवाइज हो गया आप लोगों का अच्छे से. एंड आई होप अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा, इससे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, कीप स्माइलिंग. और स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट्स बीबीए एंट्री एग्जाम्स की सीरियस मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारा ऑनलाइन बीबीए टॉप रैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. इस कोर्स में हम आपके जितने भी टॉप बीबीए एंट्री एग्जाम्स होते हैं, डीयूजेट, आईपीमेट, आईपीयू, सिम्बोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसी मुंजी, उन सब की प्रिपरेशन को हमने इस कोर्स के अंदर कवर किया है. इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, जिससे कि आप हर टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो कि हमारे बेस्ट फैकल्टीज ने प्रिपेयर की है. साथ ही साथ हम आपको इस कोर्स के अंदर ईबुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही साथ किसी भी टॉपिक को थियोरिटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो. साथ ही साथ आपको इस कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जिससे कि आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को पर्सनली एनालाइज कर सकते हो. और स्टूडेंट, इस कोर्स में हम आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करते हैं. वो है पर्सनलाइज स्टडी गाइडर, विच हेल्प यू टू क्रिएट योर पर्सनलाइज स्टडी प्लान एंड ऑल्सो हेल्प यू टू सोल्व योर डेली डाउट्स. सो जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट experts.in पर जाकर एनरोल कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके. और स्टूडेंट, जो इस कोर्स की ओरिजिनल वैल्यू है वो है 15,000 रुपीज़,
बट स्टूडेंट्स राइट नाउ हम सभी स्टूडेंट्स को ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है 999 की एट अवर वेबसाइट। पर स्टूडेंट इस कोर्स की एक लिमिटेशन भी है, वो ये है कि ओनली 200 स्टूडेंट्स ही इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। और स्टूडेंट्स ये हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल, तो आप इनको भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। तो कौन सा कंट्री बन चुका है, कौन सा देश बन चुका है जिसने अपना सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेन्स बसेस सब कुछ फ्री कर दिया। कंट्री है जी लक्समबर्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। छोटा सा कंट्री है यूरोप में, 7th स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोप, जिसने डिसाइड किया कि सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाएगा। ओके, काफी छोटी कम पॉपुलेशन भी है उस कंट्री की, एंड जो अदर डिटेल्स रहेंगी हर क्वेश्चन में मैं आपको लाइक स्लाइड्स में शेयर करता रहूँगा। प्राइम मिनिस्टर लक्समबर्ग के ज़ेवियर बैटल, एंड कैपिटल लक्समबर्ग की है लक्समबर्ग सिटी, ये आपको याद रखना है। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द इंडियन नेवल एक्साइज, इसमें अराउंड 20 कंट्रीज की नेवीज ने पार्टिसिपेट करना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस। अब ये बताना कि इस एक्साइज का नाम क्या था जिसे होस्ट कर रहा था हमारा इंडिया, विशाखापट्टनम में ये होनी थी मार्च मंथ में। तो इस एक्साइज का नाम क्या था, इस एक्साइज का नाम था मिलन 2020, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नेवल एक्साइज थी, याद रखिएगा। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ, SLINEX, ये भी एक नेवल एक्साइज है, टू इंडिया श्रीलंका के बिटवीन होती है। सिम्बेक्स होती है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, एंड ऑप्शन नंबर डी ये मिलिट्री एक्साइज है संप्रीति, ये होती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, सो ये तीन, पहली तीन नेवल हैं एंड लास्ट वाली मिलिट्री एक्साइज है, याद रखना है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो विशाखापट्टनम में होनी थी पोस्टपोन कर दी गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, द प्रेस्टिजियस अजलान शाह टूर्नामेंट इज पोस्टपोन, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से स्पोर्ट के साथ ये कब रिलेट करता। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी, याद रखिएगा। बाकी स्लाइड्स में मैं हर डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग टीम थी कौन सी थी, अब ये कब से कब होगा, 11 से 18 अप्रैल के बिटवीन शेड्यूल किया गया, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो। ओके, ये हो जाएगा, बट होप्स होगी हो जाए, अदरवाइज राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ग्लोबली, सो कोरोना वायरस की वजह से, सो होप्स होगी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। तो कौन से फील्ड के साथ बिलोंग करते, कौन से स्पोर्ट्स से, ये हॉकी के, ठीक है। देन उसके बाद रिसेंटली विच नेशनल सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन, इसके इर्द गिर्द आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह सब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दी गई, यह जी नेशनल चंबल सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, अब एक डल लेक अभी आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी में, उसको भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था। ओके, तो याद रखिएगा, बाकी स्लाइड में मैं बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ओके, रिसेंटली खोला चिली गेट्स GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में पाई जाती है ये आपको बताना है। ओके, तो ये मिलती है जी ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। गोवा के बारे में प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, CM हैं एंड गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ की मेंबर टू द यूनाइटेड स्टेट्स कोरोना वायरस टास्क फोर्स, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, इंडियन ऑरिजन की हैं जिन्हें की मेंबर अपॉइंट किया गया, इनका नाम आपको बताना। ओके, इनका नाम है जो ऑप्शन नंबर ए, सीमा शर्मा। बाकी डिटेल्स भी यहाँ मिल जाएंगी, PDF में आप पढ़ सकते हैं। रिसेंटली द बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर सुधांदा महाथारू पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी। अब ये बताना है कि ये काफ़ी बड़े लाइक बुद्धिस्ट लीडर थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये थे जी बांग्लादेश के। ओके, सुदानंदा महाथीरो। ओके, इनकी पिक्चर भी है। देन उसके बाद हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू CEO एंड प्रेजिडेंट ऑफ नोकिया, नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, कौन बनाए गए हैं CEO, इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर ए, पीका लैंडमार्क। पीका लैंडमार्क बने न्यू प्रेजिडेंट एंड CEO ऑफ नोकिया, एक फिनलैंड की कंपनी है। ओके, बाकी डिटेल्स, फाउंडर एंड एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ मिल जाएगा आपको। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021st एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया ये आपको बताना था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं आंसर्स गेस करने की, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ओके, बाकी अब हर राखी गिरी विल सून एमर्ज एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑन द मैप ऑफ इंडिया,
सो ये आपको बताना है कि ये राखी गिरी कौन सी इंडियन स्टेट में आए जी। राखी गिरी है जी ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। ओके बाकी इसके बारे में डिटेल एक्चुअली क्या होगा कि राखी गिरी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, इज द लार्जेस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन पॉपुलरली नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको अभी लाया गया न्यूज़ में एंड इस पर फोकस किया जाएगा, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। ओके इसका जिक्र हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी किया एंड हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने भी इस साइट को विजिट किया एंड डायरेक्शंस दिए हैं कि इस पर काम किया जाए एंड इसे वर्ल्ड क्लास टूरिज्म प्लेस बनाया जाए। ओके राखी गिरी कहाँ पर है जी? हरियाणा में। ओके बाकी हरियाणा के बारे में बेसिक डिटेल्स वो आप देख सकते हो यहाँ पे। देन हमारा 12th क्वेश्चन है जम्मू हिस्टोरिक सिटी चौक रीनेम्ड एज भारत माता चौक, तो इसको बदल के भारत माता चौक कर दिया गया। ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में ये सिटी चौक था, ठीक है इसका नाम बदला गया। बाकी इसके साथ साथ एक सर्कुलर रोड नियर पांजी तीर्थी जम्मू की सिटी में, इसका भी नाम बदल के अटल जी चौक कर दिया गया। ओके हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके ये आ गया जी भारत माता चौक। ऑन विच डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इसे हर साल, जिसका थीम था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। करेक्ट आंसर है जी 3 मार्च। ओके देखो आपको इम्पोर्ट ओके देन उसके बाद हु हैज बीन स्वॉन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ये आपको बताना है। इनकी पिक्चर आपके सामने है, इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर बी मुहिदीन यासिन। ओके अबाउट द कंट्री ओके इन विच इंडियन स्टेट इंडियन रेलवे लॉन्चेज रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इन विच रेलवे स्टेशन। ओके तो ये बताने कि कौन से रेलवे स्टेशन पे हमारी इंडियन रेलवे ने व्हील ऑन रेस्टोरेंट लाइक रेस्टोरेंट ऑन व्हील ये इस तरीके का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ओके तो ये है जी असनसोल रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे है जी? वेस्ट बंगाल में। ओके अब इसमें क्या है कि जो पुराने डिब्बे वगैरह होते हैं ना उनको कंबाइन करके एक रेस्टोरेंट बनाया गया जो चलता फिरता है, पैसेंजर्स के लिए भी है एंड बाहर से टूरिस्ट भी आ सकते हैं उस पर विजिट करने के लिए। ये देखो इस तरीके का रेस्टोरेंट होगा, ट्रेन भी चलेगी उसके साथ साथ आप इसमें इसका आनंद भी उठा सकते हैं, खा पी सकते हैं इसमें। ओके तो ये वेस्ट बंगाल में। ओके रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मुंबई पुलिस न्यू कमिश्नर, तो किसे बनाया गया मुंबई पुलिस का न्यू कमिश्नर? करेक्ट आंसर हो इसका परमबीर सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है। एंड इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी न्यू कमिश्नर बनाया गया एस एन श्रीवास्तवा, ये भी आपको जरूर याद रखना है। ओके ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ये परमबीर सिंह मुंबई एंड दिल्ली के एस एन श्रीवास्तवा। ओके देन उसके बाद हुआ इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर यहाँ अयोध्या, तो कौन सी कंपनी को इसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई ये आपको बताना है। तो ये दी गई जी लार्सन एंड ट्यूब्रो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू बिगेम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बाय 1 मई 2020, तो कौन सा स्टेट बन जाएगा जी फ्री ये आपको बताना है। ओके इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। देन उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन चितेस्तु वतनेबे, इनका डेथ हो गया जी। आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। ओके तो ये थे जी जापान के, जिनका निधन हो गया। ओके इसके साथ साथ अब तो इनका निधन हो गया, ठीक है इनकी एज वगैरह ये पूरा आपको यहाँ पे मिल लिख रहा है आपको कब इनके जन्म हुआ था ये आपको मिल गया। अब इसके साथ इम्पोर्टेंट क्या बन गया कि अब प्रेजेंटली ओल्डेस्ट मैन कौन होंगे जी, ठीक है ब्रिटेन के ओल्डेस्ट मैन बॉब विंगटन, जिनकी एज है जी 111 यानी कि 111 साल, अभी प्रेजेंटली लिविंग ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड प्रेजेंटली याद रखिएगा। हु हैज बीन कन्फर्ड विद 6th स्वामी विवेका कर्मयोगी अवार्ड 2020, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं, इन्हें सम्मानित किया गया जी, इनका नाम है जादव पेंग। ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी इनकी डिटेल इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया जी, फॉरेस्टेशन किया जी, पेड़ पौधे लगाते हैं जी, 1 लाख रुपये का अवार्ड भी दिया गया इनको एंड इसके साथ साथ इनको फेमसली नोन एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम असम याद रखिएगा जादव पेंग। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड ए ट्रांसजेंडर वुमेन इन यूएन डेलीगेशन, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने उस कंट्री को रिप्रेजेंट किया इन यूएन डेलीगेशन, द कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ओके पाकिस्तान की जी इनका नाम क्या आयशा मुगल याद रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल सैनिटरी पैड्स प्रोडक्ट फ्री, सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया जी,
कौन सा कंट्री बन गया जी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट लक्समबर्ग ने फ्री किया था, एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री किया जी स्कॉटलैंड। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है, 21 मार्च को। ओके, एंड जो थीम रखा गया फॉर द ईयर 2020 फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 22 मार्च को भी इंपॉर्टेंट डे होता है, वर्ल्ड वाटर डे, वो आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुंधति भट्टाचार्य द एक्स चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन्स फ्रॉम सीरीजल बोर्ड। वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीरीजल लोकेटेड? तो ये आपको बताना है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हेडक्वार्टर इसके हैं जी, मुंबई महाराष्ट्र में। अरुंधति भट्टाचार्य इन्होंने रिटायर रिजाइन कर दिया फ्रॉम सीरीजल बोर्ड। इन्होंने US सेल फोर्स एक कंपनी, US क्लाउड बेस्ड, उसको ज्वाइन कर दिया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है US की, उसको ज्वाइन कर लिया अरुंधति भट्टाचार्य। इनके बारे में डिटेल्स भी मिल जाएगी। ओके, द स्क्वेयर बीच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड हैशटैग सेफ इंडिया चैलेंज, सेफ हैंड चैलेंज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया गया? प्रॉपरली हैंड वॉश करने, आपको COVID-19 काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, सो इसे स्टार्ट किया गया था WHO द्वारा। ओके, जस्टिस रंजन गोगोई, फॉर्मर जस्टिस, ओके सॉरी, टेक्स ओथ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस होते थे हमारी कंट्री के? तो ये थे जी 46th चीफ जस्टिस, जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया गया, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है, 46th चीफ जस्टिस थे। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, हमारे भारत का रैंक क्या रहा जी? हमारे भारत राज्य, हमारा अपना प्यारा भारत, 144th नंबर पे। ओके, याद रखिएगा, इसमें टॉप कौन सी कंट्री ने किया? सबसे ज़्यादा खुश कंट्री कौन सी है जी? फिनलैंड है। ओके, याद रखिएगा, पाकिस्तान, चाइना, ये सारी कंट्रीज हमसे ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान 66 नंबर पे है। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है जी 22 मार्च को, याद रखना। एंड जो थीम रखा गया है फॉर दिस ईयर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस टू कॉल सैनिटरी पर्सनल इन द स्टेट एज टू बी कॉल्ड एज क्लीननेस वर्कर्स? तो कौन सी स्टेट द्वारा ये डिसाइड किया गया? तमिलनाडु। ओके, अकॉर्डिंग टू द CM एडाबाडी के पलनीसामी, अराउंड 65,000 सैनिटाइजर वर्क्स हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाएगा? एज अ क्लीननेस वर्कर टू ऑनर देयर वर्क। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, अनसंग हीरोज होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो आप लोगों की एंड हम लोगों की ये सारी गंदगी वगैरह उठाते हैं। नेम द प्लेटफॉर्म विच लॉन्च कैंपेन डू द 5 थिंग्स हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था? 5 चीज़ें बताई गई हैं जिससे आप कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हो, तो ये स्टार्ट किया था गूगल ने। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट थर्ड प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है? तो तीसरे नंबर पे करता है जी हमारा अपना प्यारा भारत, सबसे ज़्यादा जी चाइना करता है, सेकेंड नंबर पे US, एंड तीसरे नंबर पे हमारा भारत इंडिया। ओके, 106वें नंबर पे, 106 नंबर पे इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल कंजप्शन, ये भी याद रखिएगा। शहीद दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? याद रखना है 23 मार्च को। ओके, हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इनको फांसी हुई थी, इन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया था, इनको बाय द ब्रिटिश रूलर्स इन लाहौर जेल 23 मार्च को इनको याद किया जाता है, इनको श्रद्धांजलि दी जाती है 23 मार्च। ओके, ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक, इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल समिट रेज इज पोस्टपोन। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है, इट वॉज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे होनी थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया जी? ये होनी चाहिए हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में, कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब मे बी ये अक्टूबर मंथ में होगी। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री की अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, यूनियन मिनिस्टर हैं रवि शंकर प्रसाद। ओके, मध्य प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चौथी बारी, फोर्थ टाइम CM बने जी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, एंड द गवर्नर इज लालजी टंडन। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर एबल प्राइज 2020, मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है एबल प्राइज, एंड 2 पर्सन को नॉमिनेट किया गया, ग्रिगोरी मार्गुलेस एंड हेलेन फर्स्टनबेग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2019, कैरन उल्हेनबेग को दिया गया था, फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्हें सम्मानित किया गया था। एबल प्राइज जो दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इज
mathematics. So the correct answer is option number E, both and B. Which Indian state has become the first to impose curfew due to novel coronavirus? So lockdown to chal hi raha, curfew impose kiya Punjab ne, sari cheezon pe pratibandh laga diya, even grocery stores, petrol pumps, sari cheeze band hai kyunki puri koshish ki ja rahi hai ki isko phailaya ye phaile na, theek hai? To Punjab iska correct answer hoga. Then which Indian actors will work with WHO to aware people about COVID-19? So the correct answer for this question is option number B, Priyanka Chopra. Okay. Recently, Union Defence Minister has proposed draft defence procurement procedure featuring promotion of indigenous manufacturing. So, this question mein aapko batana, name the person who headed the drafting committee of DPP 2020. DPP ki full form bhi kahi bari puche ja sakti hai. Draft defence procurement procedure. So, isko head kar rahi hai ji Apurva Chandra. Option number C is the correct answer. Apurva Chandra kaun hai ji? Director General Acquisition Ministry of Defense, jise sthapit kiya gaya tha August 2019 mein. Okay. Which Indian state has become the first to introduce the taser guns? Taser gun introduce karne wala kaun sa Indian state ban gaya ji? Ab laathi wagaira nahi chalegi, taser gun chalenge, electric shock diye jayenge jo bhi hinsa wagaira karne aayega ji. ओके okay, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके okay, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो भी होते हैं ना, जो प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं बिना मतलब के दंगे करने, अब लाठी नहीं चलेगी, ये चलेंगे दूर से ही करंट लगेगी, ठीक है आप ध्यान से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट टू सप्लाई BS6 फ्यूल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल इसको सप्लाई करने वाला फर्स्ट बन गया जी, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 सारे पेट्रोल पंप्स को डायरेक्शन है कि BS4 फ्यूल ही सप्लाई किया जाए. सो ये आपको बताना है कि कौन से इसके चेयरमैन कौन है जी, ये जी संजीव सिंह इज द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइज एग्री टू मूव टोक्यो ओलंपिक्स अप 2021 तक, इसको पोस्टपोन कर दिया गया. अब ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैक. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जो इसे बनाया जाएगा जी. कहाँ पे बनेगा जी? ये बनेगा जी मुंबई में. ओके okay, याद रखिएगा अबाउट द रिलायंस सारे डिटेल्स मिल जाएगी. फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले 3 महीने तक आप किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे. सो यही पूछ रहा है कि कितने महीने तक वेव ऑफ कर दिए गए ड्यू टू COVID-19? 3 महीने तक. ओके okay, अब मिनिमम बैलेंस भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं कटेंगे. कितने दिन का एक लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था जी? 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक. तो 21 दिन का लॉकडाउन याद रखिएगा. ओके okay, पुणे बेस्ड MyLab became the first Indian firm to make diagnostic kit for coronavirus. ये काफ़ी important है, जो इसे test करेगी जी, diagnostic kit बनाई जी. It's also known as MyLab Patho Detect COVID-19 qualitative PCR kit for novel coronavirus COVID kit बनाई, ठीक है. एंड इसके साथ फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई जो इसको बनाने वाली, जो इंडिजीनियसली बनी है एंड 6 हफ्तों के अंदर इसे बनाया गया. इससे पहले हम जर्मन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, जर्मन एल्टोना डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज़ कर रहे थे टू डायग्नाइज कोरोना पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री, बट आपको पता कि अब फ्लाइट्स वगैरह भी प्रतिबंध थे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी. सो पुणे बेस्ड MyLab फर्स्ट बन के इसको बनाने वाली. ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेडिसिन दैट वॉज रिकमेंडेड फॉर COVID-19 कंस्टिट्यूटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर हेल्थ वर्कर्स हु ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स. तो भी डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स ट्रीट करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिन रिकमेंड की गई बाई ICMR. सो आपको बताना है कि इस मेडिसिन का क्या नाम है. ओके okay, इस मेडिसिन का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. ओके okay, याद रखिएगा. एंड इसके साथ साथ इसके एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ताकि हमारी कंट्री में इसकी कमी ना पड़ जाए. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो किसे बनाया गया ये आपको बताना है. इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर A. Bhushan P. Dharmadhikari. Who has been selected for FIFA campaign against COVID-19? काफ़ी important है इस question का नाम भी. Question इसका correct answer होगा सुनील छेत्री, हम football team captain. बाकी details सब कुछ मिलेगी आपको. ओके okay? YouTube ने अपनी video quality को HD and Ultra HD videos आप नहीं देख पाएंगे इंडिया में ड्यू टू स्ट्रेन ऑन इंटरनेट, उसको कम करने के लिए YouTube ने डिसाइड किया. अब ये पूछ रहा है कि YouTube के CEO कौन है. YouTube के CEO हैं सुसान वोज ही कीकी. ओके, YouTube की फाउंडेशन कब हुआ था? 14th फरवरी 2005 में, याद रखिएगा.
ओके, वर्चुअल G20 समिट कब हुआ? 26 मार्च को हुआ था वर्चुअल, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक वर्चुअल G20 सबमिट किया गया। G20 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए। ओके, एंड इसको चेयर किसने किया? दिस वॉज चेयर्ड बाय सलमान बिन अब्दुल्लाज, ठीक है, याद रखिएगा, सऊदी अरबिया के किंग ने। बाकी कंट्रीज भी इसमें आपको मिल जाएंगी कौन कौन सी कंट्रीज है। यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मतलब किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इसका निर्मला सीतारमन, अवर फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स पुअर इफेक्टेड बाय कोविड-19। इसमें बाकी पूरी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी, किस किस को फ़ायदा होगा, गरीबों को फ़ायदा होगा इसमें, जो मनरेगा वेजेस को बढ़ाया गया 20 रुपीज़ बढ़ाया गया 182 से लेकर 202 तक कर दी गई, LPG सिलेंडर्स मिलेंगे फ्री, 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 20.40 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना वुमेन्स अकाउंट में, ये सारी डिटेल्स डाली जाएगी, लाइक फर्स्ट किस्त भी दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी इन विच इंडियन स्टेट इंडिया सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा? जी कहाँ बनेगा जी कोविड हॉस्पिटल? 1000 बेड्स की कैपेसिटी होगी इसकी, तो ये बनेगा जी उड़ीसा में। ओके, देन उसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज ड्रोन्स टू सैनिटाइज द सिटी कोविड-19? सिटी को सैनिटाइज किया ड्रोन्स की हेल्प से कौन सी इंडियन सिटी ने? सो द सिटी इज ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ओके, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने 2 ड्रोन्स हायर किए विद द, जिन्होंने केमिकल को स्प्रिंकल किया विद सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड बायो क्लीन इन क्राउडेड एरियाज लाइक वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मेडिसन लाइक फ्रूट मार्केट, वहाँ पे इसको सैनिटाइज किया गया विद दिस केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द रेपो रेट, तो रेपो रेट को घटा दिया गया, ये आपको बताना है कि कितने परसेंट रेपो रेट हो गया जी अब, 4.40%। ओके, अब बाकी इसमें रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, ये डिटेल रेपो रेट के साथ साथ EMIs पर भी छूट देगी, एक ऑप्शन दिया गया 3 महीने तक आप अपनी EMI डिले कर सकते हो एंड उसके बाद उसको आप पे कर सकते हो। राइट नाउ होल कंट्री इज लॉकडाउन, सो इस वजह से RBI ने ये डिसीजन लिया कि 3 महीने तक ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है देने के लिए पैसे तो आप 3 महीने बाद भी पे कर सकते हो, क्योंकि यू नो कि जॉब्स वगैरह इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ गई हैं ड्यू टू लॉकडाउन। ओके, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा स्टे होम इंडिया विद बुक्स इसे कैंपेन को लॉन्च किया गया, तो ये पूछ रहा है कि ताकि लोगों को इनक्रेज किया जाए घर बैठ के बुक्स पढ़ो, सो इसके चेयरमैन कौन है जी? गोविंद प्रसाद शर्मा। बाबर सेकेंड इस क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे बट फेल हो गए, कौन सी कंट्री द्वारा इसको क्रैश कर दिया गया? लाइक परीक्षण करते टाइम ये क्रैश हो गई जी, तो ये पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। बॉलीवुड एक्ट्रेस साइन फॉर फिटनेस प्रोग्राम फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके तहत 21 डेज का चैलेंज है जिसमें आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो, तो किसने साइन किया इसके लिए? ओके, फिट इंडिया मूवमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर 29 अगस्त को। ओके, सो करेक्ट आंसर इज शिल्पा शेट्टी। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड गैरसैंण टू बी इट्स समर कैपिटल? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। रिसेंटली द बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस वॉज रिलीज्ड, तो इस बुक को किसके द्वारा रिलीज किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी इज द करेक्ट आंसर। बेटी पढ़ाओ के जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए 2015 के बाद जब इसे स्टार्ट किया गया था, तो सारे इनिशिएटिव्स इसमें इंक्लूड किए गए, इस बुक में मेंशन किया गया कि क्या क्या स्टेप्स उठाए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बुक का नाम क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस। ओके, UN चीफ, इनका निधन हो गया जी, आपको बताना है कि इनका नाम क्या था जी? फॉर्मर UN चीफ जेवर प्रेस डी स्वेलर। ओके, इनका नाम याद रखना, एंड ये जी सेक्रेटरी जनरल भी थे यूनाइटेड नेशंस की कब से कब तक, 1973 से 1974 तक सिक्योरिटी इसके सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के। ओके, तो अब इनका निधन हो गया, नाम याद रखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी बारी प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के? तो रीइलेक्ट हुए जी, कौन से कंट्री के? इसराइल। ओके, डेंस के बाद ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। विच NGO टॉप द लिस्ट ऑफ 500 ग्लोबल NGOs ऑफ द ईयर 2020? सो बांग्लादेश
बेस्ड एनजीओ है बीआरएसी, जिसने इसमें टॉप किया अमंग 500 ग्लोबल एनजीओस। बीआरएसी की फुल फॉर्म बिल्डिंग रिसोर्स अक्रॉस कम्युनिटीज, एंड इसके बांग्लादेश बेस्ड है, इसमें फर्स्ट रैंक आया, लगातार पाँचवीं बार ये इसके इसका, ठीक है। इसकी फाउंडेशन 1972 में हुई थी बाय सर फैजल हसन अबेद, इसके जो चेयरमैन है वो है अमरे हक। ओके, देन उसके बाद ऑन विच डे जन औषधि दिवस इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जन औषधि दिवस, ये होता है दूसरी बार, इस बार ऑब्जर्व किया गया 7 मार्च को। विच सिटी ऑफ राजस्थान हैज बीन डिक्लेयर्ड नो कंस्ट्रक्शन जोन, वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी अब। जयपुर, वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी अभी दिया गया जयपुर को, एंड इसे नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर कर दिया गया। वुमेन T20 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीत लिया जी, हमारे इंडिया को हरा के, पांचवीं बारी अब ये खिताब अपने नाम किया, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ बीमस्टेक समिट इन सितंबर 2020, तो कौन सा कंट्री इसे होस्ट करेगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। बाकी बीमस्टेक की पूरी डिटेल्स भी यहाँ आपको मिल जाएगी। वाज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन इंडिया, जिनको शपथ हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा दिलाई गई। विमल चुलका इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 500 T20s, केरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के। Has been named as a sports person of the year 2019 by the 4th edition of Times of India Sports Award. So, किसे दिया गया sports person of the year award? PV Sindhu. Okay. बाकी details, cricketer of the year Rohit Sharma, team of the year Indian hockey team, ये सारी details भी यहाँ पे मिल जाएगी। Which Indian woman has been named as the woman of the year 1947 in the Times magazine list of 100 powerful women of the world? So, किसे नामित किया गया ये आपको बताना है, एक फ्रीडम फाइटर अमृत कौर। ओके, याद रखिएगा अमृत कौर इसका करेक्ट आंसर है, एंड 1976 के लिए जो नामित हुई है वो इन जी हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन पोषण अभियान प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन स्टेटस इंडियन सिटीजन्स, तो इसमें टॉप किया जी तमिलनाडु ने। ओके, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में तमिलनाडु टॉप रही, इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट में आंध्र प्रदेश टॉप रहा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में तमिलनाडु, इम्प्लीमेंटेशन में बेस्ट राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020, किसे सम्मानित किया गया जी, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जलीला हैदर। ओके, शी इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ बलूचिस्तान, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए काम करती हैं, एक एनजीओ भी चला रही हैं। रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार 15 वुमेन्स को सम्मानित किया। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर कि ये अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, नारी पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया गया था ये बताना आपको, तो ये शुरू हुआ था 1999 में। In March 2020, which of the following has launched Paytm QR code-based metro ticketing system? यानी कि अब आपको लाइन में लगने के लिए ज़रूरत नहीं है टिकट लेने के लिए, टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का ये लगा होगा QR कोड, आप जाके पैसे आपके Paytm में होगा तो आप टिकट ले लीजिए। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड। चंद्रयान 3rd विल बी लॉन्च इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। ओके, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले साल फर्स्ट हाफ में इसको लॉन्च किया जाएगा। COVA पंजाब यानी कि कोरोना वायरस अलर्ट पंजाब कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा लॉन्च की गई थी, तो आप इजीली गैस कर सकते हो पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब ही फर्स्ट बना था जिसने कर्फ्यू इम्पोज किया। अशरफ गनी कौन सी कंट्री के प्रेजिडेंट बन गए जी, ये आपको बताना है सेकेंड टर्म के लिए, दूसरी बारी के लिए, अफगानिस्तान। 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया फॉर द ईयर 17 से लेकर 19 तक, तो ये सम्मानित हुए हैं वी प्रवीण राव। ओके, इनके बारे में डिटेल भी पूरी मिल जाएगी, कौन है सब कुछ मिल जाएगा। ओके,
रेडियो खांची 90.4 किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा, ये आपको बताना है। दिस वॉज स्टार्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। ओके, हु हैज बीन अवॉर्डेड चेंज मेकर ऑफ द ईयर इन द इंडिविजुअल कैटेगरी एट बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2020। सो ये दिया गया हमारी एथलीट द्युति चंद। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट की बात की जाए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो ये अवार्ड मिला है जी इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश डिक्लेयर जॉय बांग्ला एज इट्स नेशनल स्लोगन। हु इज द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ये आपको बताना है। बांग्लादेश के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, जॉय बांग्ला अपना नेशनल स्लोगन डिक्लेयर किया, अब्दुल हामिद इज द करेक्ट आंसर। बाकी डिटेल्स भी पूरी यहाँ पे मिल जाएगी। एक्चुअली मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का लिबरेशन वॉर हुआ था, तो जॉय बांग्ला स्लोगन काफ़ी टाइम यूज़ किया गया था, तो इस वजह से रीज़न है कि बांग्लादेश ने इसको डिसाइड किया अपना स्लोगन रखने के लिए। ओके, उसके बाद इंडिया प्लेज्ड $10 million हेल्प फॉर कोविड एमरजेंसी रिलीफ फंड। सो इंडिया ने 10 मिलियन का सहायता किया, इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज़ ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया, मालदीव्स ने भी दिया कुछ अमाउंट, श्रीलंका ने भी दिया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सार्क के बारे में, सबसे पहले तो फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर इसके काठमांडू में, इसकी मेंबर कंट्रीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 8 मेंबर कंट्रीज है। ये प्रशांत कुमार वाला इसमें एक्चुअली ये है कि प्रशांत कुमार जो यस बैंक के न्यू CEO एंड MD बने, याद रख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, हु हैज रिटन द बुक मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया, तवलीन सिंह। विच द साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी डेवलप स्टार्च बेस्ड हेमोस्टैट मटीरियल टू स्टॉप रैपिड ब्लड लॉस ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। सो किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, बनाया गया, करेक्ट आंसर इज इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें क्या कि इसने स्टार्च बेस्ड हेमोस्टैट मटीरियल बनाया जो एक्सेस फ्लूड को एब्जॉर्ब करेगा बाय कंसंट्रेटिंग द नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड, जो रैपिड ब्लड लॉस होता है उसको कंट्रोल करेगा, हेमोस्टैट याद रखिएगा। इसे बनाया किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा इसका 20th March, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसके साथ साथ जो आपको याद रखना है, इसका जो थीम रखा गया है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक करेक्शन मैं करवाऊंगा यहाँ आपकी, जो हमारा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे होता है वो हो जाएगी 18 मार्च को। ओके, चलो समय रहते मैंने करेक्ट करवा लिया, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ जाती। सो करेक्ट आंसर होगा इसका, प्लीज नोट इट, 18 मार्च, रिसाइकलिंग हीरोज, जो इस बारी का थीम रखा गया। ओके, तो याद रखिएगा 18 मार्च। फिर उसके बाद विच नेशन हैज इनिशिएटेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल टू एक जो वैक्सीन बनाएगा अगेंस्ट COVID-19। सो कौन सा नेशन इसके लिए काम कर रहा है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इस वैक्सीन का नाम रखा जाएगा mRNA-1273, इसका जो नाम रखा गया है, एंड वी होप सो कि सक्सेसफुल हो जाए एंड कोरोना की दवाई बन जाए। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन जर्नलिज्म किसे दिया गया, ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ एंड बी, अरफा खान एंड रोहिणी मोहन को। अरफा खान जी ने, इन्होंने कश्मीर का कवरेज किया था 370 रन 35 से हटा था, एंड रोहिणी मोहन ने, इन्होंने NRC एक्साइज जो आसाम में हुआ था उसको कवर किया था। नेम द पर्सन हु हैज बीन अनाउंस्ड विनर एज द फर्स्ट विनर ऑफ रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप 2019 बाय सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़। सो दो पर्सन को सम्मानित किया गया जी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम विद द सपोर्ट ऑफ WHO, इस तरीके का 3 महीने का एक प्रोग्राम था जिसमें अवेयर करना था, रिपोर्टिंग करनी थी ऑन रोड सेफ्टी। सो दो पर्सन को सम्मानित किया गया, प्राची सालवे एंड प्रदीप द्विवेदी। फ्रेंच ओपन इसको भी डिले कर दिया गया ड्यू टू COVID-19, ये आपको याद रखना है। ऑथर ऑफ द बुक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, सो इस बुक के ऑथर को नहीं आपको बताना था, तरुण विजय, करेक्ट आंसर ऑलरेडी मार्क था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेंट्रल विल सून एमर्ज, उसको उसका स्टेटहुड का दर्जा फिर से वापस दिया जाएगा, ऐसा सेंटर का कहना है, जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं
तो जम्मू एंड कश्मीर को अपनी स्टेटहुड का दर्जा फिर से वापस मिलने के चांसेस हैं। ओके दिस के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड कॉनरैक सन टेम्पल एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी इन द आइकनिक टूरिज्म साइट्स। अब ये बताना है कि ये कॉनरैक टेम्पल एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी इंडियन स्टेट में है। ओके स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है कहाँ पे है, गुजरात में है। सो अगर आपको गुजरात पता लग गया तो उड़ीसा तो आप आराम से गैस कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस। रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 2020 लाइक इसको पास किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी अभी दंगे वगैरह हुए थे यूपी में तो जिसने जितना डैमेज किया वो उनसे वसूला जाएगा वापस, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सो दिस वॉज पास्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। GST ऑन मोबाइल हैज बीन इंक्रीज, 12% जो लगता था अब बढ़ के 18% हो गया। ओके 1 अप्रैल से हो जाएगा एंड वी होप कि अब वैसे राइट नाउ तो लॉकडाउन चल रहा है बट ये जो अभी मीटिंग हुई थी इसमें अनाउंस कर दिया गया कि GST 18% हो जाएगा मोबाइल फ़ोन पे। ओके विच इंडियन स्टेट लॉन्च ब्रेक द चेन कैंपेन टू कॉम्बैट कोरोना वायरस, तो किसके द्वारा से लॉन्च किया गया था राइट नाउ तो इसको तो हम ऑल ओवर द कंट्री एंड नॉट ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय केरल। Recently, who granted permanent commission for the women in Indian Navy? ये आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। Who has became the new MD and CEO of Google Cloud India? तो किसे बनाया गया? करण बाजवा इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the CMD of Power Finance Corporation? तो किसे बनाया गया? रविंदर सिंह दिलोन इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली CRPF एंड आदित्य मिश्रा फाउंडेशन एक NGO चलाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ टू एनेबल दिवांग वॉरियर्स उनको मदद करने के लिए। हु इज द प्रेजेंट DG ऑफ CRPF? तो ये बताना था, इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर AP महेश्वरी। एंड इसके तहत ये क्या करेंगे, जो भी हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो किसी एक्सीडेंट में वगैरह उनको चोट लग जाती है तो उनकी मदद करेंगे ताकि वो उसमें लाइक अपने जो उनका काम है वो उसे आगे कंटिन्यू कर पाएं। ओके तो ये NGO उनके लिए काम करेगा, तो ये आपको बताना था। तो डायरेक्टर जनरल मैं आपको बता चुका हूँ। ओके सो अब ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। विच कंट्री विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ बीमस्टेक समिट इन सेप्टेम्बर 2020? तो कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा ये आपने कमेंट करके बताना है। बीमस्टेक का फुल फॉर्म बताना है, इसके हेडक्वार्टर्स एंड राइट नाउ इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है एंड ये किसको दे दी जाएगी, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है तो वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। विद दिस एवरीथिंग इज क्लियर, 100 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अगेन मैं यहाँ, सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करना जरूर, अगर अच्छा लगा इसको शेयर भी करना एंड जितना हो सके इसे शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। Thank you.